जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, जरा सुनिए। सौरभ बहुगुणा जी जो क्लस्टर के इंचार्ज हैं, हमारे वरिष्ठ साथी सुरेश भट्ट जी, गिरीश जोशी जी, मेरे बहुत ही पुराने साथी और पूर्व में अध्यक्ष रहे और यहां के विधायक श्री बिशन सिंह चुपाल जी, फकीर राम दद्दा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा मित्र और मीडिया के साथी, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पिथौरागढ़ में अजय टमटा जी के लिए चुनाव में उनके सहयोग के लिए यहां आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं हमें भाई, हमें इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज देवभूमि में आने का सौभाग्य मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज वीर भूमि में भी आने का सौभाग्य मिला। यह ऐसी भूमि है जहां हम देवताओं को पूजते हैं, हर व्यक्ति देवतुल्य है, सात्विकता हम सबके मन में बसी हुई है और यह ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, ऐसी वीर भूमि भी है। और जब हम चुनावों की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम वन रैंक वन पेंशन भी दिया गया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। हम यह भी जानते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शताब्दी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। मुझे खुशी है कि अब यह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। मित्रों, आपको जो चयन करना है वो एक तरफ उन लोगों का चयन करना है जिन्होंने उत्तराखंड के दर्द को समझा है, जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लगाने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं की आकांक्षाओं को उनको ताकत देकर के उनका सशक्तिकरण किया, जिन्होंने उत्तराखंड को मुख्य धारा में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक आपके साथ धोखा दिया, वो लोग हैं जिन्होंने घोटाले किए, वो लोग हैं जिन्होंने आपके विकास के नारा देकर के आपको विनाश की तरफ धकेला है।
और घोटालों की सरकार एक नहीं अनेकों सरकार चलाई। मैं आपकी याददाश्त को ताजा करना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोयला का घोटाला हुआ था,